निगोहा के डीहा गांव में घर से अपनी साथी के साथ निकले मजदूर युवक गांव के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क पर मरणासन हालत में पड़ा मिला। युवक के पास एक अज्ञात बाइक की चाबी और चप्पलें पड़ी मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसे सीएचसी मोहनलाल गंज भर्ती कराया। उतरावा के मजरा डीहा गांव निवासी राज रानी ने बताया कि उनका बेटा मंगल प्रसाद मजदूर शुक्रवार शाम करीब 5 बजे अपने साथी औसान के साथ घर से निकला था। वहीं रात करीब 8:30 बजे ग्रामीणों ने मंगल प्रसाद को गांव किनारे कनकहा मार्ग पर मरणासन हालत में लहूलुहान पड़ा देखा। निगोहा पुलिस के साथ परिवारजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल मंगल को सीएचसी मोहनलालगंज ले गए, जहां से उसे ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। वहीं परिवारजनों को घटना स्थल पर एक बाइक की अज्ञात चाबी और एक जोड़े चप्पलें मिली। साथ ही कुछ दूरी पर 3 ग्लास और शराब की सीसी पड़ी मिली। माने अज्ञात लोगों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए निगोहा थाने पर तहरीर दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से भारत टीवी पर। मनोज कुमार, ये जो गांव में युवक जो है घायल हुआ है, इसके बारे में क्या जानकारी है? हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे उस जगह पे अपनी दुकान के पीछे, तो इधर से एक लड़का गया तो नमकीन लेने लगा, तो बोला भैया वहाँ डीहा के पास जहाँ ठेका है उसके आगे एक आदमी पड़ा है रोड पे। तो हम लोग आए, 30-35 लोग खेल रहे थे, सब लोग आए, फिर इसको एम्बुलेंस बुलवाया। फिर वास्तव में एक दोस्त वो फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाया, फिर उसके लाद के चला गया। अच्छा, उसको क्या एक्सीडेंट हुआ, किसी ने मारा, क्या है? उससे तो ऐसा नहीं लग रहा था, एक्सीडेंट से एक्सीडेंट होता तो और भी कहीं शरीर में लगा होता है। मारा गया? हाँ, ऐसा लग रहा था किसी को चोट लगी है भारी। नाम था लड़के का? कहते मंगल नाम था। मंगल, उम्र कितनी होगी? आईडिया है कुछ?